आईपीएल, आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, जो विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग मानी जाती है। यहाँ पर विश्व के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आते हैं, लेकिन कुछ ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपना एक बहुत बड़ा नाम कमा पाते हैं। उनमें से क्रिस गेल एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में एक बहुत बड़ा नाम हासिल किया है, और आज हम उन्हीं के 2008 से लेकर 2019 तक के करियर पर नजर डालेंगे। आईपीएल 2008 की बात करें तो उन्हें केकेआर ने खरीदा था, परंतु वे 2008 का आईपीएल नहीं खेल पाए थे, क्योंकि पहले तो वो वेस्ट इंडीज के लिए क्रिकेट खेल रहे थे और उसके पश्चात अंत में जब आए तो उन्हें किसी बैक इंजरी के कारण वो नहीं खेल पाए थे। इस कारण उनका सभी रिकॉर्ड 0 दिखाए जा रहे हैं। 2009 की आईपीएल की बात करें तो वह केकेआर की तरफ ही खेले थे, और बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो 7 मैचों में 171 रन है और 44 बेस्ट स्कोर था। बॉलिंग में 7 मैच और 1 विकेट उन्होंने अपने नाम किया था। और हम क्रिस गेल के 2010 आईपीएल की बात करें तो केकेआर की तरफ से ही खेले थे और उन्होंने 9 मैच खेले थे, उसके अंदर 292 रन बनाए थे और बेस्ट स्कोर उनका 88 था। और बॉलिंग की बात करें तो 9 मैचों में उन्होंने 4 विकेट अपने नाम किए थे। और अगर हम अगले आईपीएल यानी कि 2011 की बात करें तो वो आरसीबी के लिए खेल रहे थे, और बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 12 मैचों में 608 रन की रन बनाए थे और बेस्ट स्कोर उनका बेहतरीन 107 था, और बॉलिंग डिपार्टमेंट में 12 मैचों में 8 विकेट उन्होंने अपने नाम किए थे। और इसी के बाद अपने 2012 आईपीएल की बात करें तो आरसीबी की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 15 मैचों में 733 रन बनाए और बेस्ट स्कोर 128 था, और बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो 15 मैचों में उन्होंने 0 विकेट लिए थे। और इसके बाद हम 2013 आईपीएल की बात करें तो वह आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे, बैटिंग परफॉर्मेंस में उन्होंने 16 मैचों में 708 रन और 175 रन बेस्ट है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो 16 मैचों में उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए। और इसी के बाद 2014 आईपीएल की बात करें तो आरसीबी की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 9 मैचों में 196 रन और बेस्ट उनका 46 रन था, और बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो 2014 में उन्होंने कोई भी बॉलिंग नहीं की थी। और इसके बाद 2015 आईपीएल की बात आती है, 2015 आईपीएल में वे आरसीबी की तरफ से ही खेल रहे थे, बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो 14 मैचों में 491 रन थे, 117 बेस्ट स्कोर था, और बॉलिंग में उन्होंने 14 मैचों में कोई भी विकेट हासिल नहीं किया था। और आगे 2016 आईपीएल की बात करें तो वे आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे और बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो 10 मैचों में 227 रन और 76 बेस्ट स्कोर था, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो 10 मैचों में उन्होंने अपने नाम 2 विकेट किए थे। और इसके बाद बारी आती है 2017 आईपीएल की, 2017 आईपीएल में उन्होंने बैटिंग परफॉर्मेंस में 9 मैच खेले थे और 200 रन बनाए थे, उनका बेस्ट स्कोर 77 रन था, और बॉलिंग डिपार्टमेंट में उन्हें बॉलिंग मिली ही नहीं, उन्होंने बॉलिंग नहीं की 2017 आईपीएल में। और इसके बाद बारी आती है 2018 आईपीएल की, 2018 आईपीएल में वे किंग 11 पंजाब की तरफ से खेल रहे थे और बैटिंग परफॉर्मेंस में उन्होंने 11 मैचों में 368 रन बनाए और इसके बेस्ट स्कोर 104 था, बॉलिंग उन्होंने 2018 आईपीएल में नहीं की थी। और उसके बाद जो जारी है आज 2019, उसमें किंग इलेवन पंजाब की तरफ से खेल रहे हैं और बैटिंग परफॉर्मेंस अब तक 3 मैचों के अंदर वे कुल 139 रन बना चुके हैं और बेस्ट स्कोर उनका। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मरने तो पहला ऐसा कम करा गए, तेरे शहर तेरे पिंड साडा नाम गूंजेगा।